7 अक्टूबर के बाद से इजराइल गाजा में इसी तरीके से हमला कर रहा है। हमास के आतंकवादियों उनकी गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। जैसे ये गाड़ी देखिए, जिसके धमाके ने बताया कि उसमें कितने खतरनाक हथियार भरे हुए थे। लेकिन युद्ध के इतने दिन बाद शायद ऐसा पहली बार हुआ जब इजराइल के हाईवे पर रॉकेट से इस तरीके से जोरदार धमाका हुआ। अभी तक इजराइल गाजा में हमास से निपट रहा है, लेबनान में बैठे हिजबुल्ला पर भी उसकी नजरें, लेकिन इस बीच इजराइल के तीसरे दुश्मन हूती ने भी इजराइल पर जोरदार हमला बोल दिया है। ये देखिए, जंग के 26वें दिन हूती की एंट्री हो चुकी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये देखिए, उसकी तरफ से जारी इस वीडियो में एक के बाद एक दो मिसाइलें दागी जाती हैं। इसके बाद वीडियो में 3 सुसाइड ड्रोन इजराइल की तरफ दागे जाते हैं। एक के बाद एक कई ड्रोन इजराइल की तरफ मिसाइल की तरह जाते हैं। हूती की तरफ से जारी इस वीडियो में आतंकी मिसाइल लॉन्च करने से पहले धार्मिक नारेबाजी करते हैं। इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। सात अक्टूबर के बाद से हूती की तरफ से इजराइल पर 3 बार हमले हो चुके हैं। पहला हमला 19 अक्टूबर को हुआ जब अमेरिका ने उसकी मिसाइलों को बीच में ही तबाह कर दिया। फिर 26 अक्टूबर को लाल सागर में इसराइल ने उसके हमले को नाकाम कर दिया। 31 अक्टूबर को तीसरा हमला हुआ। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने की बात कही, जिसे इसराइल के एरो एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। हूती ने मिसाइल इसराइल के इलियत के ऊपर दागी थी। हूती ने शहर पर ड्रोन से भी हमला करने की कोशिश की, जिसे इसराइल ने नाकाम कर दिया। इसराइल का कहना है कि हूती के खतरनाक इरादों के बावजूद वो गाजा में नहीं रुके। यमन से इसराइल की दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, इसके बावजूद यमन के हूती विद्रोही इसराइल को निशाना बना रहे हैं। अभी तक इसराइल गाजा में हमास और लेबनान हिजबुल्ला की चुनौती का सामना कर रहा था, लेकिन जंग हूती की एंट्री से उसे 3 तरफ से हमले सहने होंगे। लेकिन क्या वाकई हूती विद्रोहियों के इस जंग में कूदने से इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? क्या अमेरिका को इसराइल के बचाव में आना होगा? क्या अमेरिका को इस जंग में खींचने की कोशिश के तहत इसराइल के लिए नया मोर्चा खोला जा रहा है? दरअसल हूती हमास का साथ निभाने आया है, वो इसराइल के विरोध में जंग में कूद चुका है। दरअसल ये आतंकी संगठन उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में रहा और ये काफी ताकतवर माना जाता है। हूती जंग में सिर्फ एंट्री नहीं लेता, वो अपनी तैयारियों का वीडियो भी जारी करता है। इसराइल के झंडे पर बम गिराकर अपने इरादे जताता है। अब यहाँ 2 सवाल। पहला है, हूती विद्रोही इसराइल के खिलाफ जंग में किसके इशारे पर कूदे? और दूसरा, हूती विद्रोही इसराइल को कितना मुश्किल में डाल पाएंगे? अब सवाल ये है कि हमास अपने इस मंसूबे को क्या हूती के साथ मिलकर पूरा करेगा, जो इसराइल को अपना दुश्मन मानता है? क्या हूती सऊदी अरब की तरह इसराइल को भी सताने में कामयाब हो सकता है? हूती का संक्षेप में परिचय यह है कि हूतियों का उदय 1980 के दशक में यमन में हुआ। ये यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। साल 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला साले की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई घटनाएं हुई। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। 2000 के दशक में विद्रोही सेना बनाने के बाद हूतियों ने 2004 से 2010 तक अब्दुल्ला साले की सेना से 6 बार युद्ध किया और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। हूती विद्रोहियों के पास 180,000 से लेकर 2,00,000 लोगों वाली सेना है। सेना के जवान टैंक चलाने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर तकनीकी वाहन तक को चलाने में सक्षम। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत ईरान, जो उसे हर तरह से मदद करता है। ईरान शिया बहुल देश है और हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। मध्य पूर्व में शिया बहुल देशों में ईरान, इराक और लेबनान है। इसके अलावा यमन में सबसे ज्यादा शिया आबादी है। ईरान ने सऊदी अरब से लड़ाई में इन सभी जगह अपने समर्थक संगठनों का जाल बिछाकर फायदा उठाया, जो उसके लिए अब इसराइल से भी लड़ने को तैयार है। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल के गाजा पर हमले के विरोध हूती में जोरदार विरोध देखने को मिले थे। हूती विद्रोही यहीं तक नहीं रुके और उन्होंने इसराइल पर एक के बाद एक 3 हमले किए। 7 अक्टूबर के बाद से ही लाल सागर के जरिए हूतियों का खतरा इसराइल के ऊपर मंडराने लगा। अब जिस तरह से हूती खुलकर
इसराइल पर हमले कर रहे हैं उसने इसराइल हमास जंग के फैलने का खतरा बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी तक इस जंग से दूर रहने वाला हिजबुल्ला की तरफ से एक बड़ा इशारा आया है। हिजबुल्ला की तरफ से जारी इस वीडियो के जरिए शुक्रवार को बड़े ऐलान का संदेश दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या हिजबुल्ला ने हूती की तरह इसराइल के खिलाफ हमास का साथ देने का फैसला कर लिया है। अगर ऐसा होता है तो इसे जानकार 7 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा घटनाक्रम मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि लेबनान से ऑपरेट करने वाला हिजबुल्ला सबसे शक्तिशाली आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्ला हमास और हूती के साथ मिलकर ईरान, सीरिया, इराक में मौजूद अपने समर्थक संगठनों से इसराइल को आसानी से घेर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका को इसराइल के बचाव में उतरना पड़ सकता है, जिसका नतीजा जंग के फैलने के रूप में देख सकता है। हिजबुल्ला के पास 20,000 से ज्यादा आतंकवादी बताए जाते हैं जो आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस है। इसके अलावा करीब 30,000 आतंकी उसके रिजर्व में हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात, लेबनान की सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो उससे हमेशा खौफजदा रहती है। सारी दुनिया इसराइल और हमास के बीच जंग रुकने का इंतजार कर रही है, लेकिन जिस तरह से हूती विद्रोहियों ने जंग में उतरने का ऐलान किया है और हिजबुल्ला ऐसा करने का संकेत दे रहा है, उससे आने वाले दिनों में इस जंग के भड़कने की आशंका बढ़ गई है।